आपने दशरथ नंदन राम जी को देखा? आपने दशरथ नंदन राम जी को देखा है? आश्रम में है। कौन है वहां पर? आप? इस प्रकार यहां आने का प्रयोजन? मैं दशरथ नंदन से भेंट करना चाहती हूँ। मैं दशरथ नंदन ही। मेरा तात्पर्य आपसे नहीं, आपके भैया से है, जिनका विवाह सीता दीदी से होने वाला है। क्यों मिलना है उनसे? आपको क्यों बताऊं? जिनसे मिलने आई हूँ उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि उन्हें भोजन में क्या अच्छा लगता है। भैया को हर प्रकार का व्यंजन अच्छा लगता है। आपको कैसे पता कि मैं भोजन के लिए उन्हें आपके साथ आमंत्रित करने आई हूँ? अभी अभी बताया, कुछ बातें कहकर आप भूल जाती हैं। अच्छा तो अब पता चली गया तो बताइए ना कुछ विशेष व्यंजन जो उन्हें बहुत प्रिय हो। तीखा ना हो। तीखा क्यों होगा? आप जो बनाएंगी। इसका क्या तात्पर्य है? अब आप बात करने में और व्यवहार में इतनी तीखी है तो आपके द्वारा बनाया गया भोजन भी तीखा ही होगा। मैं तीखी हूँ? और आप तो बहुत मीठा बोलते हैं ना, है ना? उल्टा उत्तर देना आपका स्वभाव है। जब देखो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ उस दिन जीजाश्री ने परशुराम जी को शांत कर दिया, वरना फल के बात ही एक ही बार में आपका शीश काट देते वो। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भैया को अच्छे से। प्रणाम, मैं सीता दीदी की छोटी बहन उर्मिला। आपको देखते ही पहचान गया था। कैसे? बिल्कुल सीता का प्रतिबिंब है। पर भाइयों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या? वही प्रतिबिंब वाली बात। पिताजी ने विशेष रूप से भेजा है भोजन पे आमंत्रित करने के लिए, आपको और आपके प्रतिबिंब को। इसलिए जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा भोजन पसंद है। आप जो भी बनाएंगी स्वादिष्ट ही होगा। तीखा होगा तब भी? तीखा हो या मीठा, प्रेम से बनाया हर व्यंजन स्वादिष्ट ही होता है। कितना अंतर है दोनों भाइयों में। महाराज जनक से कहिएगा, हम अवश्य आएंगे। यदि आप मुझे अपना प्रिय व्यंजन बता दें तो मैं सीता दीदी तक ये बात पहुंचा दूंगी, और आपको जैसा भोजन अच्छा लगता है ना, सीता दीदी वैसा ही भोजन बना सकेंगी आपके स्वाद अनुसार। यदि सीता भोजन बना रही तो क्या बनाना है इसका चयन हम उन पर ही छोड़ते हैं। हम उनकी इच्छा अनुसार ही भोजन करेंगे। आपके प्रतिबिंब को कैसा भोजन अच्छा लगता है? सीता भाभी भोजन बना रही है तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। हाथ हाथ की बात होती है भैया, यदि यही भोजन कोई और बना रहा होता तो आवश्यकता होती ये बताने की किस प्रकार का भोजन अच्छा लगता है। आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अच्छा है, जीजाश्री आपके प्रतिबिंब होने से बच गए। क्या सोच रहे हैं भैया? मां के बारे में सोच रहा हूं। माँ कौशल्या के बारे में, माता कैकेयी के बारे में। उनके लिए मैं अद्वितीय हूं। उन्हें लगेगा
मिथिला एक छोटा राज्य है, यहाँ कौशल जैसी भव्यता नहीं, और मिथिला की राजकुमारी से मेरा विवाह उनके असंतोष का कारण बन सकता है। जब तक वो मिथिला की महानता से परिचित नहीं हो जाती, उन्हें यह विवाह स्वीकार नहीं होगा, और इसीलिए उन्हें मेरी दृष्टि से देखना होगा मिथिला को, सीता को। लक्ष्मण जी भैया, मैं उन्हें एक पत्र लिखूंगा, तुम्हें सुनिश्चित करना कि वो शीघ्र अतिशीघ्र माता कैकेयी तक पहुंच जाए। अवश्य भैया। मुझे नदी तक जाना है। नदी तक? अचानक? पहले दर्शन तो कर लीजिए। नहीं, वो मेरे कलश में पानी नहीं है ना तुलसी को चढ़ाने के लिए। दीदी, दीदी रुकिए, सुनिए तो दीदी, दीदी, दीदी रुकिए। छल में अश्व के लिए ले जा रहा था। तो क्या मैं आपको अश्व दिखती हूँ? देखिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ऐसा करने का दुसाहस में कैसे किया आपने? दीदी, दीदी रुकिए। दीदी, दीदी रुकिए। तुम भीगी कैसे? आप वो दीदी, वो मैं नदी में गिर गई थी। दशरथ नंदन हर समय अपने भैया के साथ रहते हैं, ऐसे में दीदी और जीजाश्री को बात करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मुझे ही कुछ करना होगा। चलिए आप मेरे साथ बाहर चल। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ। प्रणाम जीजाश्री, हमें आपकी एक सहायता चाहिए। अवश्य। हमें पूजा के लिए नील कमल चाहिए, जो केवल वन के सरोवर में ही उपलब्ध है। हम तीनों को वन में जाने के विचार से ही भयभीत हो रहे हैं। यदि आपके अनुज कुछ सहायता कर सके तो। अवश्य। लक्ष्मण जी भाई, इनकी सहायता करो। अवश्य, मैं ही प्रतीक्षा करूंगा। जी भाई, धन्यवाद। चलिए। जानती हो, इस कुंड में सर्प रहते हैं। आपको कैसे पता दीदी? बहुत सारे सर्प हैं इस कुंड में, जिनसे सब डरते हैं।
भले ही कितने बड़े योद्धा क्यों ना हो। कहीं वो सर्प तो नहीं? यहाँ कुछ भी नहीं है मांडवी दीदी, और होगा भी तो क्या, ज्ञात नहीं हमारे साथ कितने बड़े योद्धा है जिन्होंने अपने बड़े भैया के साथ एक राक्षसी का वध किया था। उनके रहते भय कैसा? दीदी रुष्ट कर दिया ना उन्हें, सीता दीदी के होने वाले देवर है वो। दशरथ नंदन हमारे साथ थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। लीजिए दी, मेरे प्राण
दोनों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। ये हमारा कर्तव्य था। उर्मिला, बस ये समझ लीजिए दीदी, यदि आज जीजाश्री के अनुज साथ नहीं होते तो उर्मिला भी जीवित नहीं होगी। हम सब वन में गए थे और जैसे ही उर्मिला सरोवर से नीलकमल लेने गई, आज आपने मेरी बहन की रक्षा की, मैं आजीवन कृतज्ञ। क्या कह रही हैं आप? ये मेरा कर्तव्य था। कृतज्ञता की बात करके आप मुझे लज्जित ना करें। और हाँ भाभी, मुझे तुम कहकर पुकारे, आप नहीं, इससे मुझे भी अपनत्व की अनुभूति हो। अभी तो हम आपके कंधे पर सर रख के रो लेती हैं। जब आप अयोध्या चली जाएंगी तब क्या होगा दीदी? हमें लौटना चाहिए। चलो उर्मिला। लक्ष्मण, इन वनों में मायावी शक्तियां विचरण कर रही हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। अवश्य भैया। और एक शुभ समाचार, भरत और शत्रुघ्न मिथिला आ रहे हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न, ये तो बहुत अच्छे समाचार है भैया। जब हम चार भाई साथ में हैं तो कोई मायावी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो बच्चों, इस प्रकार शुष्क तीर लेकर सबसे पहले गठरी बांध, और अब हमें बनानी है कुटिया की छत। और जैसे कि पहले मैंने कहा था कि एक गठरी बांधने से कुछ नहीं होगा, कुटिया की छत जो बनानी है हमें, और इसी प्रकार अनेक गठिया बांधो, उससे जोड़ो और फिर एक साथ रखो, और कुटिया की छत तैयार। भोजन आपके लिए। खेलो बच्चों, आपने बनाया है? जी नहीं, सीता दीदी ने। तब ठीक है, यदि आपने बनाया होता तो तीखा होता। आपको जैसा भोजन अच्छा लगता है मैं वैसा ही बनाऊंगी, फिर तो आप ग्रहण करेंगे ना? किंतु मेरे लिए इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है? आपके लिए किए जाने वाला कोई भी कार्य मेरे लिए कष्ट नहीं, संतोष का निमित्त होगा। जी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की थी ना, उसका ऋण किसी भी प्रकार उतारूंगी तो संतोष तो होगा ना?
उसके लिए ऋणी होने की आवश्यकता नहीं, वो मेरा कर्तव्य था। और यदि आपके प्राण नहीं बचाता तो आपका अपराधी नहीं बन जाता। अनुमति दीजिए। लक्ष्मण, आज प्रातः तुम कहाँ गए थे? मैं? भैया, मैं तो आप ही के साथ था। देख रहा हूं आजकल तुम्हारे समीप कोई और भी रहने लगा है। वो गुरुकुल के छात्र आश्रम के निर्माण के लिए बहुत ही उत्साहित है, उन्हीं के साथ था। छात्रों की नहीं, राजकुमारी की बात कर। नहीं नहीं भैया, असंभव है। दो क्षण भी उर्मिला के साथ रहना धैर्य की परीक्षा है। सीता भाभी से बिल्कुल भिन्न है। मैंने उर्मिला की तो बात ही नहीं की। भैया विश्राम करिए, थक गए होंगे। ऐसा कुछ भी छुपाना असंभव है। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं भैया, आप विश्राम करिए। भैया, राम भैया, भैया क्या हुआ? लक्ष्मण इतने उत्साहित क्यों? भैया, पिताजी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया आपके और सीता भाभी के विवाह का। वो शीघ्र ही यहाँ आ रहे हैं। आपका विवाह होगा भैया, जनक पुत्री से विवाह। भैया यदि आपकी अनुमति हो तो मैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को ये शुभ समाचार देना चाहूंगा। अवश्य। इसका अर्थ है माता कैकेयी ने सीता को स्वीकार कर लिया। एक शुभ समाचार है गुरुदेव। क्या शुभ समाचार है लक्ष्मण, जिसे सुनाने के लिए इतने अधीर हो रहे हो? गुरुदेव, महाराज जनक ने जो पत्र भेजा था पिताजी को, अयोध्या से उसका उत्तर आ गया है। पिताजी ने स्वीकृति दे दी है, वो सब मिथिला आ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण रख पाने में असमर्थ हूँ। गुरुदेव, राम भैया का विवाह हो रहा है, मेरे भैया का विवाह हो रहा है, मेरे भैया का विवाह हो रहा है। आप जैसा वर पाना सीता के लिए नहीं पूरे मिथिला के लिए सौभाग्य की बात है। दशरथ नंदन, आप दोनों का मिलन भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है, उनकी इच्छा अनुसार हुआ है। ऐसा मिलन अवश्य ही बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बनेगा। परशुराम जी ने कहा था सीता का विवाह उसी से होगा जो प्रत्येक जन्म में उसका पति रहा होगा और रहेगा। अब दोनों को देखकर हम सबको ऐसी ही अनुभूति हो रही है।
तुम दोनों के कुलों की मान मर्यादा को पराकाष्ठा तक पहुंचाने का माध्यम बने। सीता और तुम्हारा मिलन धर्म कर्म कर्तव्य और प्रेम का आधार बने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आजीवन आपसे प्रेरित होता आ रहा हूं भैया। मैं जितना आपकी तरह बनने का प्रयास करता हूं उतना ही असंभव लगने लगता है। आपकी उपलब्धियां साधारण नहीं भैया। आपके प्रत्येक कृत्य में देवत्व की अनुभूति होती है। यह हमारा गर्व है भैया कि हमें आपके अनुज के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला। आपका अनुसरण करने का अवसर मिला है हमें। यदि हम आपके पद चिन्हों पर चल पाए तो इसे हम अपने जीवन की सफलता समझेंगे भैया। सौभाग्य तो मेरा है कि मेरे तीनों भाई मेरा इतना सम्मान करते हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं। बधाई हो भैया, आपके विवाह के लिए पूरे अयोध्या में ऐसा उत्साह है मानो जैसे सभी त्योहार एक साथ मनाने का अवसर मिल गया हो। केवल राजभवन ही नहीं, सारे नगर में सजावट हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के अभिव्यक्ति का संपूर्ण प्रयास करता प्रतीत हो रहा है। हम भाभी के दर्शन करना चाहते हैं भैया। जब से आपके द्वारा स्वयंवर की शर्त पूरी करने का समाचार मिला है तब से उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए अधीर है हम। तो अधीर होने से कुछ नहीं होगा भरत भैया। सीता भाभी ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस भाई ने भैया की सबसे अधिक सेवा की हो, जो हमेशा उनके साथ रहा हो, वो उन्हें दर्शन देंगी और उन्हीं से बात करेंगी। भरत भैया, इसी आधार पर सीता भाभी ने सबसे प्रिय देवर मुझे घोषित किया है। किंतु राम भैया से हम तीनों भाई बराबर प्रेम करते हैं। भरत, तुम अभी तक लक्ष्मण को समझे नहीं हो क्या? सीता ने ऐसा कुछ नहीं कहा। भरत भैया तो ऐसे चिंतित हो गए जैसे कि लक्ष्मण लंबी यात्रा करके लौटे। पहले स्नान कर लो, भोजन ग्रहण कर, उसके पश्चात सीता से भी मिल लेना। अवश्य भैया। प्रणाम। प्रणाम जीजाश्री। मिथिला के प्रथा अनुसार वधू को लगाए जाने वाली हल्दी वर के पक्ष से आती है। अवश्य, मिथिला के इस विधि से हमें पहले ही अवगत करा दिया गया था।
वर पे हल्दी कौन लगाएगा? हम लगाएंगे। हाँ, ये विधि अब आप ही संपन्न कराएंगे। आपको क्या लगता है भैया को हल्दी लगाने वाला कोई नहीं है? बड़ी विधिकारी बनती है।